विष्णु भगवान की जय। मेरे धर्माचार चैनल में पुरुषोत्तम मास का तृतीय अध्याय कुछ इस प्रकार है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को भी कथा सुनाई थी, आप उसे पूर्ण विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, यह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण जी ने कहा, हे नारद, महाभारत के युद्ध में 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सबको छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर शासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़कर भरी सभा में खींचा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेकों कष्ट सहे। उनको दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने के लगे। वे भगवान से बोले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाया। समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों और द्रौपदी ने भगवान को हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, आप तो सारी को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती और प्रणाम करके पर श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को श्री प्रसन्न करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदिक मास पक्ष नाड़िकाएं याम त्रियाम ऋतु मुहूर्त उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष युग परार्ध अंत और इनसे भी परे नदी सम्मुक्त झील कुएं बावड़ी पल्लव निर्झर लता वृक्ष औषधि वृक्ष बांस वृक्ष वनस्पति पुर गांव नगर पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इनमें से कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामित्व रहित हो। हे पांडव पुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा है जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण ही सभी व्यक्ति इसे अनाथ स्वामीहीन निंदनीय मलमास रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज कर निंदा की गई। ऐसे निंदा और अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजीन होने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी करुण कथा सुनाई। तृतीय अध्याय संपूर्णम्।